अगर इन दोनों हाथों से पियानो को स्मूथली बजाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। नमस्कार, आई एम जस्ट कुटावाला फ्रॉम पिक्सेल्स, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। आज के इस वीडियो में तीन ऐसी एक्सरसाइज दूंगा जिसकी मदद से पियानो पे दोनों हाथों से बजाना बहुत आसान हो सकता है, राइट? हो सकता है क्यों? क्योंकि तीनों को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक को भी छोड़ दोगे तो आगे जाके आर्पेजियोस में या फिर कॉर्ड्स में हो सकता है प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसकी एक ही शर्त है पूरे वीडियो के कि तीनों एक्सरसाइज को एक बाई एक के बाद एक प्रैक्टिस करना है, वन बाय वन प्रैक्टिस करना है, राइट? और थर्ड एक्सरसाइज इज डिफरेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, थोड़ा बहुत सिमिलर है, थर्ड थोड़ी सी डिफरेंट है। तो वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस वीडियो की। एक एक करके आपके अपना इंपॉर्टेंस भी बढ़ता जाएगा, राइट? सो फर्स्ट एक्सरसाइज में मूव करते हैं। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड में पांचों फिंगर्स को वाइट पे पकड़ना है एंड यहाँ पे भी पांचों फिंगर को वाइट पे रखना है। यहाँ पे ए पे हाथ रखेंगे अपनी लास्ट फिंगर और यहाँ पे सी पे रखेंगे। तो एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। तो ये सी, ए से लेके सी तक अपने मिडिल ऑक्टेव से स्टार्ट करना है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से आगे बढ़ेंगे और राइट हैंड से पीछे आएंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई है, अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले लेफ्ट हैंड में देख लेते हैं। इतना करने के बाद ये जो फिंगर है मिडिल फिंगर, राइट, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो, ये जो मिडिल फिंगर है उसको फिर से दबाना है और पीछे जाना है। समझ में आया? देखिए, ए बी सी डी ई सी बी ए बी सी डी ई सी बी ए। क्या किया, पैटर्न को याद रखिए, बहुत आसान हो जाएगा। पहले पांच, पांचों की पांचों उंगली ए पे रखी, ए से आगे आए पांच, पांचों के पांचों फिंगर से, फिर जो मिडिल फिंगर उसको फिर से दबाना है, मिडिल को दबाइए, फिर ये जो दो फिंगर बची उसको दबा दीजिए एक एक करके। अब वही चीज राइट में करनी है लेकिन उल्टा करेंगे। यहाँ पे है तो पांचों के पांचों फिंगर से आगे आएंगे, फिर से मिडिल फिंगर को प्रेस करेंगे और ये फिंगर को फिर से प्रेस करेंगे और अगेन इसको प्रेस करेंगे। तो क्या कहने को मैं क्या कह सकता हूँ कि 5 4 3 2 1 3 4 5, ये फिंगर्स को यूज़ करना है, जो भी नोट्स है उसको दबा देना है। ठीक है, यहाँ पे प्रेस करने के बाद ये फिंगर्स के नीचे जो भी नोट्स है उसको प्रेस करना है, 5 4 3 2 1 3 4 5। इसको रखे कीबोर्ड पे, जो भी नीचे कीज है उसको दबा दीजिए। अब क्या करना है, ए से आपको जी पे जाना है लेकिन सी से डी पे जाना है। एक एक आगे बढ़ेंगे, एक एक नोट आगे बढ़ेंगे, फिर से पांच फिंगर रख देंगे, फिर और एक आगे जाएंगे, लेफ्ट में पीछे जाएंगे, राइट में आगे जाएंगे। इससे बताए क्या हो रहा है कि आपका लेफ्ट हैंड पीछे जा रहा है, आपका राइट हैंड आगे जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और साथ में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर आपने ये सीख लिया तो आरपीजीएस में भी यही चीज़ होती है, कभी लेफ्ट हैंड पीछे जाता है, कभी राइट हैंड आगे जाता है, कभी दोनों आगे पीछे जाते हैं, तो ये होता रहता है आरपीजीएस के कोऑर्डिनेशन के टाइम। इसीलिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ए से और सी से स्टार्ट करना है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब तक ये नेक्स्ट सी ना पहुंच जाए तब तक आगे बढ़ना है, और जब तक ये ए नेक्स्ट ए तक ना पहुंच जाए तब तक आगे बढ़ना है, राइट? देखिए मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप नहीं कर पाओ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट हैंड को करना है। राइट हैंड इतना पक्के से कर लीजिए कि आपको राइट हैंड को देखने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि मैंने अभी किया, मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड में देख रहा था क्योंकि मुझे पता है राइट हैंड मेरा चलने वाला है, राइट? क्योंकि मेरा राइट हैंड ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर ग्रिप अच्छे से हासिल कर ली है और मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अब सेकेंड एक्सरसाइज में क्या करेंगे, यही चीज़ करेंगे लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे। देखिए, ये मैंने क्या किया, पहले लेफ्ट में 5, राइट में 5, लेफ्ट में 4, राइट में 4, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, एक एक करके पहले लेफ्ट में करना है नोट, फिर वही नोट को राइट में करना है, लेकिन मतलब वही फिंगर को राइट में करना है जो पहले लेफ्ट में फिंगर कर रहे हो, उसी फिंगर को राइट में करना है। जब तक आप प्ले नहीं करोगे तब तक आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। देखिए, 5 5 4 4 3 3 2 2
5-5, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, एक के बाद एक चल रहा है तो दोनों पे तुरंत ध्यान देना पड़ेगा। फिर वही चीज करनी है, आगे बढ़िए एक एक नोट, यहाँ पे जी पे आ जाइए और यहाँ पे डी पे आ जाइए। अब सेम चीज करनी है, यहाँ पे ए से जी पे आना है और यहाँ पे सी से डी पे जाना है। एक एक आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट में पीछे जाएंगे, राइट में आगे जाएंगे। ठीक है, मुश्किल थोड़ा सा है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा, डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी। पहले हमने क्या किया, सिंपल, अब करेंगे इस तरीके से, आपको ये दो एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। अब हम मूव करेंगे हमारी लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पे हमारा सब एक्सरसाइज पूरी चेंज हो जाएगी। मैंने क्या कहा था कि पहले दो सिमिलर है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद की थर्ड वाली डिफरेंट है, राइट। सो अब थर्ड वाली एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम सी पे आ जाएंगे, दोनों हाथों को सी पे रखेंगे, एक एक ऑक्टेव के, ये एक ऑक्टेव, यहाँ पे अलग ऑक्टेव। अब नोट्स क्या प्ले करने पहले देखते हैं, बहुत आसान, 5-4-3-2-1-2-3-4, 5-4-3-2-1-2-3-4, राइट में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, मतलब नोट्स उल्टे करेंगे, फिंगर्स सेम हो जाएगी, 5-4-3-2-1-2-3-4, लेकिन नोट्स हो जाएंगे जी एफ ई डी सी डी ई एफ, और यहाँ पे हो जाएगा सी डी ई एफ जी एफ ई डी, राइट में हो जाएगा जी एफ ई डी सी डी ई एफ। आपको लग रहा होगा कि ऐसे करना होगा, अभी नहीं, ये ऐसे नहीं करना। अब थोड़ा सा ट्विस्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि ये लास्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाएंगे और थोड़ा सा मैंने कहा था अलग है, राइट। तो वो अब यहाँ तक पहुँचे हो तो बहुत लकी, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, राइट। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, राइट हैंड में दो नोट्स को करेंगे और लेफ्ट हैंड में सिर्फ और सिर्फ एक नोट को करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए, राइट हैंड में दो नोट्स, 1-2-3-4-5-6-7-8, 8 हुए, मतलब यहाँ पे दो नोट्स के ग्रुप करेंगे और यहाँ पे सिर्फ एक नोट करेंगे। मतलब यहाँ पे जब हम दो नोट प्ले करेंगे राइट में, तब लेफ्ट में सिर्फ एक करेंगे। इसका मतलब कि राइट में जब चार होंगे तब लेफ्ट में दो होंगे, राइट में जब छः होंगे तब लेफ्ट में तीन होंगे, और इस तरीके से लेफ्ट में 8 नोट्स कंप्लीट करने के लिए आपको राइट में 16 नोट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। थोड़ा सा सिंपल मैथ्स है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, 2-1-2, यहाँ पे सिर्फ एक नोट, 1-2, और सीक्वेंस याद रखनी है, लेफ्ट में सीक्वेंस क्या बताया मैंने और राइट में क्या सीक्वेंस बताया, सिंपल। अब देखिए, राइट में दो नोट्स, लेफ्ट में एक नोट, देन यहाँ पे अगेन दो नोट्स करेंगे, लेफ्ट में एक ही नोट किया, फिर से अगेन दो नोट करेंगे। ये सीक्वेंस राइट में कर रहा हूँ, वो कौन सी कर रहा हूँ, जो मैंने बताया ये वाली, इसके अकॉर्डिंग जो नोट्स आगे, जो नोट आने वाले वो हम प्ले करेंगे, और यहाँ पे जो नोट आते हैं वो नोट हम प्ले करेंगे। दो 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 दो, अब यहाँ पे और चार नोट बचे तो हमें फिर से यहाँ पे करना पड़ेगा। समझ में, मतलब यहाँ पे हमें 16 नोट्स प्ले करने, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, और यहाँ पे सिर्फ 8, 1-2-3-4-5-6-7-8, इस तरीके से आपको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। देखिए, जब ये एक बार पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे तब यहाँ तक, यहाँ पे हम सिर्फ लेफ्ट में सिर्फ चार नोट्स पे पहुंचे होंगे, इस तरीके से। अगेन ये किया, अब इसको करते रहिए। पहले यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, आपकी राइट की स्पीड ज्यादा है, लेफ्ट की स्पीड कम है। राइट में 4-8-16 नोट कर रहे हैं, तो लेफ्ट में सिर्फ 8 नोट कर रहे हैं, स्पीड डिफरेंस हो गया, क्वांटिटी दोनों की इम्बैलेंस हो गई, राइट, इस तरीके से। अब ये ख़त्म करने के बाद आपको, ये दोनों हम सी से कर रहे थे,
अब दोनों को हम करेंगे ई से, मतलब ई पे पांचों फिंगर लेके आएंगे और यहाँ पे हम पहुंचेंगे बी पे और यहाँ पे ई। मतलब जो चीज हम यहां से कर रहे थे अब उसी चीज को एक नोट छोड़ के ई से करेंगे, यहां से फिर एक नोट छोड़ के करेंगे जी से, फिर करेंगे बी से, फिर करेंगे सी से अगेन, इस तरीके से। देखिए मैं दिखाता हूं। अब ये जाएगा बी पे क्योंकि यहां पे हमने जी से स्टार्ट किया तो एक नोट छोड़ के ये जाएगा बी पे, और यहां पे सी से स्टार्ट किया तो एक नोट छोड़ के जाएगा ई पे। अब ये जाएगा डी पे और ये जाएगा जी पे। अब आगे ये जाएगा एफ पे और ये जाएगा बी पे। लास्ट फिर से वही पे वही पहुंच जाएंगे जी पे और ये अगेन सी पे, इस तरीके से पूरा देखेंगे। इस तरीके से आपको ये पूरा दोनों एक्सरसाइज, तीन एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, सिंपल ए पे ये सी पे, सेकंड में, थर्ड में, तो ये थी आज के वीडियो की तीन एक्सरसाइजेस। तो आज का ये मैंने वीडियो जो मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया, लेकिन अब मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें करूँगा जो कि अगर आप सुनना चाहते हो तो आप रुक सकते हो, नहीं तो आप इस वीडियो को एंड कर सकते हो क्योंकि ये वीडियो के रिलेटेड जो बात थी वो मैंने कंप्लीट कर दी है, आपको मैंने लेसन तीन दे दिए। अब मैं आपको ऐसी एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आपकी स्किल्स को, पियानो स्किल्स को कम्प्लीटली बदल सकता है, राइट? दैट इज, आपने ये टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन सीखा, इसका मतलब कि आपको कॉर्ड्स थोड़े बहुत आते होंगे, आप आरपेजियो सीखने की कोशिश कर रहे हो इसलिए आप टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन को सीख रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कॉर्ड्स स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन उसके पहले टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन आप सीख रहे हो। तो इन शॉर्ट कि टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन अगर आप सीखना चाहते हो इसका मतलब कि आपको कॉर्ड्स या फिर आरपेजियोस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? ये थोड़ा सा फ्यूचर में बता रहा हूँ, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि ये टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन में पूरा डिटेल में कवर करूँ और आपको दोनों हाथों से पियानो इतना मक्खन की तरह प्ले करना सिखाओ कि आप कोई भी सॉन्ग के ऊपर लीड लाइन के साथ अपने लेफ्ट हैंड में पैटर्न्स को प्ले कर पाए जैसे प्रोफेशनल प्लेयर्स करते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हो, मेरी तरह पियानो प्ले करना चाहते हो जो मैं लाइव स्ट्रीम्स में करता हूँ, लाइव परफॉर्मेंसेस में करता हूँ, तो मैं आपको सिखा सकता हूँ थ्रू माय कोर्स व्हिच इज कॉल्ड आरपेजियो मास्टरी कोर्स। आरपेजियो मास्टरी कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि 8 हफ्तों के अंदर आपकी स्किल्स को एडवांस लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर देगा, मतलब आप एक एडवांस पियानो प्लेयर बन जाओगे। सो अगर एनरोल करना चाहते हो इस कोर्स के अंदर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे विथ अ 7 डेज रिफंड पॉलिसी, मतलब दिस इज अ 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन पियानो, राइट? अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर जो स्क्वायर बॉक्स आ रहा है जिसमें मेरा फोटो है उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे लैंडिंग पेज पे पहुंचेंगे वेबसाइट पे, वहां से आप कोर्स को परचेस करके सीख सकते हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।